हम कहेंगे कि वो इतना कर्मठ और बहादुर आदमी थे कि उनका नाम पूरा नाम था भारत रत्न सरदार पटेल जी। ताकि वो किसान सभा में एक जगह कहीं गए थे, कुछ काम लोगों का किसानों का बाकी था जो काम नहीं हो रहा था, इन्होंने जा करके वहां से जाकर अगर काम पूरा किया, इसलिए वहां की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी और इनको भारत रत्न की उपाधि देश से मिला। और भाई मतलब सबके ही दोस्त के हिसाब से थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और भारत के टुकड़े टुकड़े राष्ट्र में सियार भागों में बटे हुए 550 रियासतों को मिलाकर एक देश बनाया। बहुत ऐसा है बक्का है और इनके बारे में, पटेल जी के बारे में जितनी बातें कहा जाएगी वो बहुत कम है। मैं बाकी का समय अपने माननीय मंत्री जी सरवण बाबू को देता हूँ, कारण की हरवल में इनका प्रोग्राम है, थोड़ा विलम्ब हो चुका है। और सरवण बाबू को प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ और सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। इंटर पास करती है तो 25,000 और ग्रेजुएशन करती है तो 50,000 रुपया हम उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में देते हैं। इस तरह की योजना बिहार से बाहर किसी दूसरे राज्य में नहीं। तो सरदार पटेल का सपना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सपना साकार करने में बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। यानी ज्ञान के क्षेत्र को काफी आगे हम लोगों ने बढ़ाया है। सरदार पटेल किसानों की हमेशा चिंता करते थे, वो जानते थे कि देश का जो खुशहाली का मार्ग है, जो रास्ता है, तो हमारे खेत हैं, हमारा कृषि है। और अगर कृषि के क्षेत्र को अगर हम बढ़ावा नहीं देंगे तो हमारा देश विकसित नहीं हो सकता है, हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो किसानों की भी अगुवाई उन्होंने की, किसानों पर जब जब जुर्म हुआ अंग्रेजों की हुकूमत में उसका उन्होंने जवाब दिया, किसानों को भी उन्होंने संगठित कर मुकाबला किया, उनसे अंग्रेजों को भगाने के किसानों को काम किया। अंग्रेज बहुत जुर्म करते थे, सब लोग को जानकारी है। उन जुल्म के खिलाफ उन दिनों किसानों को संगठित करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे और जो भी लड़ाई सरदार पटेल ने शुरू किया वो लड़ाई कभी हारे नहीं, उस लड़ाई को अंजाम तक ले जा करके अंग्रेजों को भगाया, लेकिन वो लड़ाई कभी नहीं हारे, उसका नाम सरदार पटेल था। तो आज किसानों के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी के बिहार में मुख्यमंत्री बनने के पहले किसान खेती छोड़ चुके थे। एक किसानी इलाका बहुत जबरदस्त है आपका रोहतास जिला, औरंगाबाद जिला, जहां नारों से खेती होती है। कोई किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। बगल में हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर जरूर बनना चाहता है, प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर बनना चाहता है, वकील का बेटा वकील बनना चाहता है, नेता का बेटा नेता बनना चाहता है, लेकिन किसान का बेटा किसान आज भी कहिए तो नहीं बनना चाहता है। क्यों नहीं बनना चाहता है? इसके पीछे कारण यही है कि खेती हमारे घाटे की हो रही है, खेती हमारे फायदे की नहीं है, तब हमारे किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। लेकिन जब नीतीश कुमार जी आए बिहार में मुख्यमंत्री बने तो पहला कृषि रोड मैप उन्होंने शुरू किया बिहार में, और कृषि रोड मैप जब चालू किया तो किसानों के हित के लिए बहुत सारी योजनाएं हम लोगों ने बनाई। कुछ किसान लाभ भी ले रहे हैं, कुछ नहीं भी ले रहे, लेकिन जो लाभ ले रहे हैं उनको फायदा हो रहा है, वो तरक्की कर रहे हैं, खेती अच्छा ढंग से कर रहे हैं। आज बिहार में चौथा कृषि रोड मैप चालू है और ये बताते हुए खुशी होगी कि हमारे किसानों ने सबसे ज़्यादा धान उत्पादन करने वाला चाइना था और चाइना को भी बिहार ने पीछे छोड़ दिया। बिहार के किसानों ने चाइना के किसानों से ज़्यादा धान पैदा किया अपने बिहार में, और सिर्फ धान के फसल में नहीं, गेहूं के फसल में भी
आलू के फसल में भी हमने दूसरे देशों को, दूसरे राज्यों को बिहार पीछे किया है। ये हमारे किसानों की बदलती ही परिस्थितियाँ है, लेकिन यही अंतिम काम नहीं है, और भी किसानों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। और हमने जो काम किया बिहार में, उसका जोड़ा देश का कोई राज्य नहीं लगा सकता है। बिहार में पूरे देश में फसल बीमा योजना किसानों के लिए की जाती है, लेकिन बिहार में भी किसानों के लिए बीमा योजना है, लेकिन अलग से बिहार की सरकार ने की और बढ़ा, उसका नाम है फसल क्षतिपूर्ति योजना। ये बिहार से बाहर किसी दूसरे राज्य में है कि आपके लगे हुए फसल अगर नुकसान हो गए तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समय पर ऑनलाइन आप पोर्टल पर आवेदन कर दीजिए और आपके खेतों की जांच आके कृषि विभाग के अधिकारी करेंगे, और जितना आपको नुकसान हुआ है उसके अनुसार आपको खाते में पैसा आपका चला जाएगा किसानों की भरपाई के लिए। ये डीजल अनुदान भी हम लोग बिहार में देते हैं, दूसरे किसी राज्य में नहीं। बगल का पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है, महीना में 5-7 दिन आजकल जा रहे हैं, वहाँ किसानों की बड़ी खराब हालत है। लेकिन बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हैं वो बयान देते हुए थकते नहीं है, बयान बहादुर लोग हैं, अखबार पे विज्ञापन मास्टर लोग हैं, करना कुछ नहीं है करते रहते हैं। सरदार पटेल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे कौन थे मैं नहीं जानता, उस समय तो मैं पैदा भी नहीं हुआ, वो कौन थे, आरएसएस के लोगों का हाथ था इसमें, ये मैं नहीं कह रहा। सरदार पटेल ने जो पत्र लिखा था, आरएसएस के प्रमुख को जो पत्र लिखा था सरदार पटेल ने, कि कहा था सरदार पटेल ने अपने पत्र में कि आरएसएस के लोगों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोग है, ये लोग दंगा कराने वाले लोग हैं, ये लोग फसाद कराने वाले लोग हैं, ये लोग समाज में तनाव पैदा करने वाले लोग हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये सरदार पटेल ने जो पत्र लिखा उस पत्र का जिक्र मैं कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से समाज को जो बांटने वाली शक्तियाँ हैं, आज अमृत महोत्सव मना रहा, मनाइए, कोई नहीं मना करता, लेकिन दिल से मनाइए, सिर्फ वोट के लिए मत मनाइए, उनके सिद्धांतों के लिए मनाइए, उनके संकल्पों के लिए मनाइए, उनके बताए गए रास्ते के लिए मनाइए, लेकिन दिल में कुछ और है और करते कुछ और है, इसके लिए काम। तो बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे किसानी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में काम करके बिहार में वो आगे हम लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जैसा काम हम लोग करते हैं इसका मुकाबला कोई देश का राज्य नहीं कर सकता, कोई ऐसी बिरादरी नहीं है, कोई ऐसा धर्म नहीं है, कोई ऐसा मतलब नहीं है जो कहे कि हमें इस सरकार में कुछ मदद नहीं मिली, कुछ सहायता नहीं मिली, हमको योजनाओं का लाभ नहीं मिला। यानी सभी वर्गों, सभी समुदाय के लोगों को हमारी सरकार मदद करती है, खिदमत करती है, सेवा करती है। और हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि दिन को दिन कहो, रात को रात कहो, दूध को दूध कहो, पानी को पानी कहो। जिस दिन ये बिहार के लोग खाने लगेगा, बिहार आसमान की बुलंदियों पर चला जाएगा, बिहार की तरक्की दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन जब चुनाव आता है, तो जब चुनाव आएगा तो जो ठग है वो आएगा और बताएगा मोहनरायन बाबू को कि इसको 3 मंजिला करा देंगे, तब मोहनरायन बाबू उखरे में फंस जाएगा। फिर साल भर के बाद आएगा, बोला 5 मंजिला वाला हमारा योजना था इसीलिए रुक गया था, बोलेगा कि 2 चुनाव तो इसी में निकाल लेगा। तो ये जो ठग लोग हैं इसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। लालच करने वाला आदमी हमेशा हारता है और ठग हमेशा जीतता है।
दो दो करोड़ नौकरी देने का वादा कितना दिन हो गया, कई साल हो गया, 9 साल हो गया लगता है। 9 साल में 2 करोड़ नौकरी एक नहीं मिल सकी, लेकिन बिहार की सरकार ने, बिहार ने जो फैसला लिया नीतीश कुमार जी ने, देश के किसी राज्य ने 1,20,000 नौकरी आज तक एक बार में कहीं नहीं मिला है, यह है बिहार। यही सरदार पटेल की नीतियां है, यही सरदार पटेल की नीतियां है। यानी 12% दूसरे राज्य के लोग बाहर हुए और बाकी बिहार के लोग, ये दर्शाता है कि बिहार के लोगों में अभी भी तासीर है, अभी भी जान है। हमारा मुकाबला देश का कोई राज नहीं कर सकता है, ज्ञान के क्षेत्र में भी नहीं, कृषि के क्षेत्र में भी नहीं, किसी भी क्षेत्र में बिहार का मुकाबला हमसे देश का कोई राज नहीं कर सकता। तो ये है बिहार, बिहार का अपना इतिहास है, बिहार की अपनी सभ्यता है, बिहार की अपनी संस्कृति है, और हम लोग संविधान से चलते हैं, कानून से चलते हैं, नियम से चलते हैं, इसलिए हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं यही कहते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं। सरदार पटेल के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और मुझे विश्वास है कि मैं मोदी नारायण बाबू की उम्र थोड़ा और लंबा कर दिया है, ताकि सरदार पटेल जी को याद करने के लिए हम सबको इकट्ठा करते रहे। लेकिन इधर देख रहे थोड़ा कंजूस हो गया है, हो गए कि नहीं, उम्र और बढ़ा देंगे तो थोड़ा कंजूसी खत्म कर दीजिएगा। ऊपर वाले से हम लोग आराधना कर रहे हैं, थोड़ी बड़ी जगह पर लोगों को बुलाइए, हमको तो अगर 10 भी लोग रहेंगे तो आने में कोई इतराज नहीं, लेकिन और लोग जो देखिए बाहर में खड़े हैं, तो उधर उधर घूम रहे हैं, सबको एक साथ बैठा करके सरदार पटेल जी को याद करते हुए श्रद्धा सुमन में उनको अच्छा लगेगा, इसलिए आगे से ध्यान जरूर दीजिएगा। और डॉक्टर साहब बगल में हैं, ये भी थोड़ा इन पर ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अपने सरदार पटेल को याद करते हुए, चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अब यही पर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत